फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ पर आपके आके सब उठवाया है। आप झांसी में पूरा पूरा का पूरा देखा है, अंदर से बाहर से हर जगह से पूरा का पूरा देखा है। जो भी हिस्टोरिक साइट्स हैं इंडिया की, बड़ी से बड़ी ले लीजिए, जोधपुर और सब जगह से ले लीजिए, झांसी के अंदर जितना मैंने घरों के बीच में जाके ऐसे खंडर देखे हैं वो कहीं पर नहीं दिखेंगे। ये खंडर को अगर संभाल के रखा जाए, नगर निगम की जिम्मेदारी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, एनजीओज की जिम्मेदारी और झांसी के आप लोगों की भी जिम्मेदारी। आपका शहर है, आपको नहीं अच्छा लगेगा गंदा हो रहा हो। कितने लोग यहाँ पर गाँव को माता मानते हैं? आधे से ज़्यादा लोग मानते होंगे, सब मानते हैं। वही गाय प्लास्टिक खा के मर रही है, उसी गाय को आप प्लास्टिक खिला के मरा रहे हैं, गलत बात है ये। प्लास्टिक वेस्ट का नगर निगम ने जिम्मा उठाया, हर घर से उठा रहे हैं, हर सड़क से उठा रहे हैं। अगले एक साल के अंदर, छः महीने के अंदर प्लांट भी सेटअप हो जाएगा, सब सारी जितनी प्लास्टिक निकल रही है, ऐसे बोतलें और ये नहीं, आपके जो चिप्स के रैपर होते हैं, आपके पान बीड़ी के जो रैपर होते हैं, वो सारे भी उठा उठा के उनको भी प्रोसेस किया जाएगा, उनका भी अलग अलग तरीके से उनका डीजल बनाया जाएगा, अलग अलग चीज़ें बनाई जाएंगी। तो आप घरों से प्लास्टिक मांगेंगे, आपसे घरों से आके प्लास्टिक लेंगे। हमारे 5 रैक पिकर हैं यहाँ पर, हमारे 5 रैक पिकर हैं, आगे आ जाओ। झांसी के हमने 300 रैक पिकर हमने रजिस्टर करवाए हैं अभी तक। ये हमारे 5 रैक पिकर हैं जो आपके घर से प्लास्टिक उठा रहे हैं। इन्होंने आज जितनी भी प्लास्टिक उठाई है, जो यहाँ पर 15-20 बैग भरे पड़े, इनको ये बेच के 1 रुपया नहीं मिलने वाला। ये प्लास्टिक बोतल बेच सकते हैं, ये चीज़ बेच के इनको 1 रुपया नहीं मिलने वाला। ये लोग भी झांसी आपको, आपके लिए झांसी साफ करना चाह रहे हैं। आप भी हाथ बटाइए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इनका सहयोग दीजिए, आपके घर से प्लास्टिक आई, प्लास्टिक भर भर के बैग में भर के दीजिए, आपको नए बैग भी दिए जाएंगे। अगली बार से अपने अपने प्लास्टिक बैग भर के दे दीजिए, सीधा प्लास्टिक साफ होगी, आपकी झांसी साफ होगी, आपको अच्छा लगेगा, लोग आएंगे, टूरिस्ट बढ़ेगा, आपका पैसा ज़्यादा आएगा। झांसी में गंदगी नहीं दिखाई देगी, ये पूरा एक महल है, अच्छा खासा महल है, राजमहल बन सकता है, राजा का ही महल था, राजमहल से खंडर हो गया है, वापस राजमहल बनवाना है, आपकी मदद चाहिए। गंदगी से मच्छर आते हैं, बीमारियां फैलती हैं। एक बार मैं पुनः बताना चाहूँगा आपको, इस महल के जितना भी प्रयास हुआ, पैसे की व्यवस्था होने जा रही है, उसमें मोहन नेपाली जी का बहुत बड़ा योगदान है, और जो हमें प्रोत्साहन मिला है उसमें आपकी जो पार्षद महोदय हैं, पार्षद जी हैं, उन्होंने बड़ा भारी योगदान दिया है, उन्होंने हम लोगों की हौसला अफजाई की है, और गोकुल दुबे साहब हैं, ये समाज सेवी है, सब लोग जानते हैं, ये भी आगे बढ़ चढ़ कर भाग इसमें ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारा ये महल फिर से यहाँ पर घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़ेगी हमको।